दुनिया में हमेशा से ये माना जाता है कुछ चंद लोगों का समूह पूरी दुनिया को चलाता है और हमारी रोज़मर्रा की दुनिया को यही दिशा दिखाते हैं। मैं जो ये चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, ये लोग सीक्रेट सोसाइटी से नाता रखते हैं, वो लोग जो हर चीज़ की दिशा दिखाते हैं, जिनके पास ताकत होती है दुनिया को ख़त्म करने की और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। और आम आदमी को कभी पता नहीं चलता है कि इन लोगों का प्रभाव उस पर कितना ज़्यादा पड़ता है। हम इन सभी सीक्रेट ग्रुप को पूरी तरह से सच तो नहीं मानते, पिछले कुछ सालों में हम इन सीक्रेट सोसाइटी को अनदेखा भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने वो सीक्रेट सोसाइटी तो सुनी होगी, द इल्यूमिनाटी, जो सदियों से मानव इतिहास को बदलता आ रहा है, जिसने कई दशक देखे हैं और अपने हिसाब से दुनिया पे राज किया है। कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध हिंदुस्तान के महान राजा अशोक सम्राट से है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको बताऊंगा द 9 अननोन के बारे में। आप शायद इस वीडियो को जेएल 50 के बाद यहाँ पे देखने आए, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 नॉलेज का वर्णन था, लेकिन इसमें मैं आपको पूरे के पूरे 9 बताऊंगा कि वो 9 कौन कौन से थे जो दुनिया में कई सालों से अपना प्रभाव डालते आ रहे हैं। चक्रवर्ती अशोका सम्राट, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में 300 BC से लेकर 232 BC तक भारत पे राज किया। उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने आसाम से लेकर पूरे ईरान तक अपना कब्जा जमा लिया था, और ये सब सिर्फ उन्होंने 8 सालों के अंदर किया था, सिर्फ 8 सालों के अंदर। और इसी समय के चलते अशोक ने कलिंग में आक्रमण किया और उस वक्त 150,000 लोगों को बंदी बनाकर उनका नरसंहार कर दिया, हत्या कर दी, और ये सब अशोक ने अपनी आंखों से देखा। इन सब से प्रभावित होकर अशोक ने फैसला किया कि अब वो कभी हथियार नहीं उठाएंगे, और वो ये समझ गए युद्ध में साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल होता है। और इन्हीं सब के चलते अशोक ने पॉलिटिक्स, साइंस और वॉरफेयर की दुनिया के 9 सबसे बुद्धिमान लोगों को चुना और उनकी एक सोसाइटी बनाई। उनकी नॉलेज को 9 अलग अलग किताबों में बांटा गया, और ये नॉलेज कभी किसी गलत हाथों में ना पड़े, इसलिए ये फैसला किया गया इन किताबों को हमेशा सीक्रेट रखा जाएगा, क्योंकि इनसे दुनिया बदल सकती थी। इसीलिए अशोक ने अपने 9 सबसे बुद्धिमान शिष्यों को चुना और ये 9 किताब उनके बीच बांटी गई। हमारी सभ्यता के उदय से लेकर सारा ज्ञान उस किताबों में उपलब्ध था, और उन्हें ये भी निर्देश दिए गए कि वो अपने किताबों में आगे भी रिसर्च कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि उन सीक्रेट सोसाइटी ने मौत से विजय पाने के भी तरीके खोज लिए थे, जिनकी वजह से ये अमर हो गए थे, और इन्हें साल दर साल कई सारी सभ्यता को बिगड़ते और सुधरते हुए देखा है। को ये भी निर्देश थे कि वो अपनी आइडेंटिटी कभी किसी को बताएंगे नहीं, और उन्होंने सदियों के अनुभव से कई गुप्त और रहस्यमय जानकारी इकट्ठा की। इन्होंने अपनी एक खुद की भाषा भी बनाई, जिसको सिर्फ वही समझ सकते थे, एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह। दोस्तों, ये 9 लोग 9 अलग अलग विद्याओं के लिए जाने जाते हैं। उन 9 किताबों में से सबसे पहली वाली किताब है प्रोपोगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, सबसे डेंजरस, लोगों की सोच को अलग अलग तरीके से बदल कर उन्हीं पर राज कैसे किया जाए, ये पूरी नॉलेज इस किताब में थी। सदियों से लोगों का ब्रेन वॉश इसी ज्ञान के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी किताब, कैसे सिर्फ छूने से किसी भी इंसान को मारा जा सकता है। हमारे शरीर में कई ऐसे प्रेशर पॉइंट होते हैं जिनको दबाने से किसी भी इंसान की जान ली जा सकती है। कहते हैं कि कुछ पन्ने इस किताब के गायब हो गए थे, जिसकी वजह से मार्शल आर्ट का जन्म हुआ। तीसरी किताब, माइक्रोबायोलॉजी, इस किताब में सूक्ष्म जीव के बारे में बहुत ही गहरा ज्ञान है, जिसमें ऐसी ऐसी बीमारियों का निर्माण करना बताया गया है जिससे पूरी मानव सभ्यता ही खत्म हो सकती है। आप अभी देख सकते हैं, जैसे चाइना ने कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाया, वैसे ही। चौथी किताब अल्केमी,
जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी मेटल को सोने में कैसे बदला जाए, इसका पूरा विज्ञान इस किताब में है। कहा तो ये भी जाता है कि न्यूटन को कहीं से इस किताब की कुछ ज्ञान मिल गया था, जिसकी वजह से न्यूटन ने भी मेटल को सोने में बदलने की ताकत रखता था। पांचवी किताब, कम्युनिकेशन। दोस्तों, इस किताब में वो ज्ञान है जिससे हम एलियन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस किताब में कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज का मेंशन है जिससे मानव एलियन से बात कर सकता है, उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। दोस्तों, इसका कहीं ना कहीं संबंध शांति स्तूपा से है, जिनका निर्माण अशोका ने बहुत ही ज़्यादा करवाया था पूरे भारतवर्ष में। छठी बुक, ग्रेविटी। इस किताब में ग्रेविटी के सारे रहस्य थे, वो सारे रहस्य जो कि इंसान को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में ले जा सके, और एंटी ग्रेविटी जो ग्रेविटी के अपोज वर्क करती है। दोस्तों, कहते हैं कि इस किताब में एंटी ग्रेविटेशनल प्लेन बनाने का भी नॉलेज था, जो कि ग्रेविटी के प्रभाव में कभी नहीं आती। सातवीं किताब, कॉस्मोलॉजी। इस किताब में स्पेस टाइम का सारा ज्ञान था, जैसे ब्लैक होल, वर्म होल और ऐसे अनोखे ग्रह जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आठवीं किताब, लाइट। इस किताब में लाइट के बारे में सारा ज्ञान था, ऐसे स्पेस क्राफ्ट का जिक्र था जिससे हम लोग लाइट की स्पीड से चल सकते हैं और टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इस किताब में लाइट को कैसे नियंत्रण करें उसका पूरा ज्ञान था। नौवी किताब, सोशियोलॉजी। नवी किताब में समाज शास्त्र की वो ज्ञान है जो किसी समाज का उदय या विनाश करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इस किताब को गुप्ती रखा गया, लेकिन कभी कभार इसका ज्ञान मानव के सामने आया, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल उपलब्धियां और ऐसे अनगिनत और ज्ञान इन्हीं किताब से आए। दोस्तों, ये मानना भी गलत नहीं होगा कि वो अशोक सम्राट ही थे जिनने 9 लोगों का ऐसे ग्रुप बनाया जो कि अमेरिका में द इल्यूमिनाटी के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या ये वही लोग तो नहीं थे? क्योंकि किसी को भी इनका धर्म, ये कहां से आए थे, ये किसी को भी पता नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।